हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशबू रंजन आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का रसगुल्ला। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमने 1 kg चीनी लिया है और उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम चलाएंगे। ये हम चाशनी बनाने के लिए रखे हैं। ये देखिए, इसमें हम हाफ नींबू डाल देते हैं जिससे चाशनी हमारा साफ हो जाए। नींबू डालने से चाशनी साफ। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं। ये है नारियल का बुरादा और इसको हम भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसे हम रेड होने तक भूनेंगे। इधर देखिए, हमारा चाशनी भी तैयार हो रहा है। देखिए, इसे हम भून लिए हैं। अब इसमें हम खोया डालते हैं। आप चाहें तो सिर्फ खोए का भी बना सकते हैं, बट नारियल बुरादा डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। और गैस को हम बंद कर दिए हैं क्योंकि इसको अच्छे से मिलाना है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब गैस को हमने ऑन कर दिया है। देखिए, इधर चाशनी भी उबाल आ रहा है और हमने नींबू निकाल लिया क्योंकि हमारी चाशनी साफ हो गई है। देखिए, इसको हम अच्छे से खोया को मिलाएंगे, खोया चीनी और नारियल बुरादा को। खाने में बहुत टेस्ट। ये देखिए, नारियल का इलायची पाउडर है, थोड़ा सा हम चाशनी में भी डाल लिए। देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। चाशनी भी हमारा लगभग तैयार हो गया। इसमें देखिए, हम किशमिश डाल दिए हैं। देखिए, अब गैस बंद कर देते हैं क्योंकि चाशनी हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए, ब्रेड को हम ब्रेड का जो ब्राउन भाग होता है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, अभी हमने कटोरी में पानी लिया है, सादा पानी, और इसको पानी में डुबो करके हल्के हाथों से निचोड़ना है। पानी भी ज़्यादा नहीं निचोड़ना है। अब इसमें हम इस खोए को डाल के, और देखिए, अब इसको दबाना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये लड्डू की तरह गोल बन जाए। देखिए, इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले को
गोल कर लेंगे। देखिए पानी निकल रहा है इससे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले तैयार कर लेंगे इसको भर के। हल्के हाथों से दबाना है इसको। देखिए इधर हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम एक एक करके रसगुल्ले डालेंगे फ्राई होने के लिए। गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे, धीमा नहीं करेंगे। हमें फुल आंच पे पकाना है। देखिए रेड हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए चाशनी में हम डाल दिए हैं। देखिए इसी तरह हम और भी जो है सो तल लेते हैं। देखिए हमने इसको ढक कर के, ये चाशनी थोड़ा गर्म ही रहेगा तो ही रसगुल्ले डालें, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करें। देखिए हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए। अगर ये आपको अच्छे लगे हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।